कॉन्ट्रास्ट को डायल करने के लिए कॉन्ट्रास्ट नॉब का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है बट मैं आपके साथ दूसरी टेक्निक शेयर करता हूं जो मैं अपने वर्कफ्लो में यूज करता हूं अब जो हम कॉन्ट्रास्ट कर्व डिजाइन करने वाले हैं वो टाइमलाइन के एक शॉट नहीं बल्कि टाइमलाइन के मल्टीपल शॉट्स को टारगेट करने वाली है एंड मेक श्योर शॉट्स का एक्सपोजर चेंज ना हो इसलिए हम मिडल ग्रे पॉइंट को एंकर करेंगे डी को नोड पर अप्लाई करना है एंड यहाँ पे आपको चूज करना है एक्सपोजर चार्ट टोटल स्टेप्स को हम वन कर देते हैं शोर आप ऑफ करना है एंड टोन कर्व में आपको चूज करना है वर्किंग कलर स्पेस एंड जिस नोड के ऊपर आप कॉन्ट्रास्ट कर्व डिजाइन करना चाहते हो उस नोड को सिलेक्ट करना है क्वालिफायर को सिलेक्ट करना है एंड क्लिक कर देना है तो आपके कर्व्स में जो मिडल ग्रे पॉइंट है वो एंकर हो जाएगा अब आप इसको डिलीट करना चाहो तो डिलीट कर सकते हो सो so हम टो को लिफ्ट करते हैं लिटल बिट क्रिएटिंग द नी एंड हेड को लिटल बिट डाउन करते हैं एंड यहाँ पे हम शोल्डर क्रिएट करते हैं अब जितना टाइम आप कर्व को रिफाइन करने में लगाओगे उतनी आपकी इमेज बेटर होती जाएगी क्योंकि किसी भी सक्सेसफुल लुक का जो मेन एलिमेंट होता है वो कॉन्ट्रास्ट होता है इंस्टाग्राम बायो में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इस DCTL को फ्री डाउनलोड कर सकते हो और ऐसे यूजफुल कॉन्टेंट के लिए हमें फॉलो कर लीजिए मिलते हैं नई वीडियो में धन्यवाद